आदाब नाज़रीन, मैं हूं आसिफ खान। एक बार फिर आ पहुंचे हैं एक नई मंजिल पर, और अजीब है सफ़र गज़ल का। हर मंजिल पर थकन का नहीं, ताज़ा दम होने का एहसास होता है। हर मोड़ पर फरहत बख्श झोंके हमारा खैर मकदम करते हैं, और ऐसा लगता है कोई इन अल्फाज में आपको हमको साथ साथ चलने के लिए आवाज़ दे रहा हो। ये बोली बाद बहारी, हमारे साथ रहो। सफ़र गज़ल का है जारी, हमारे साथ रहो। हर एक मोड़ पर फूलों का सिलसिला होगा, है खुशबुओं की सवारी, हमारे साथ रहो। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको बताना चाहते हैं कि उर्दू को मकबूल बनाने में इस शायरी ने कैसा किरदार निभाया, ख़ास तौर पर गज़ल ने किस तरह उर्दू की आबियारी की, दक्कन से चलकर दिल्ली आई और फिर यहाँ की खड़ी बोली से मिलकर नए अदब की तख्लीक की। वली दक्कनी को कौन भुला सकता है, वो बादशाह था वली दक्कनी। लेकिन वली दक्कनी के यहाँ सीधा सादा मुआशिका एक बिल्कुल सादगी के साथ, जिसके अंदर एक मानवी रंगत थी, इसमें यह एहसास था कि बात सिर्फ जो है वह अपने मजाजी महबूब से नहीं हो रही है। अब जब दिल्ली की तरफ आती है गजल, तो दिल्ली में जो है दोनों रुख मिल जाते हैं। कहीं पर ऐसे अनासिर मिलते हैं जहां पर मैं हकीकत की बात होती है, कहीं पर ऐसे अनासिर मिलते हैं जहाँ मजाज की बात होती है। लेकिन दिल्ली में आने के बाद गज़ल का जो रंग था वो बड़ा ही फितरी मिलान रखने वाला था। यानी गज़ल को जैसे हाफिज़ ने कहा था ईरान में कि ये दर्द है, जो दर्द ज़बान से बयान होता है, इसको दिल्ली में आने के बाद सबसे अच्छी फ़जा मिली उस दर्द को। और अगर ये दर्द गजल में न होता तो गालिब भी मीर की सताइश न करते। वो दर्द था जिसने गालिब को मजबूर किया कि ये दर्द जो है, जो मीर बयान कर रहा है, जो इश्क का वाकई दर्द है, यही है गजल, और इसी को गजल गजल का नाम दिया जाए। ये बात बात पे क्या नाज के निकलते है, अंदाज़ है प्राण गजल कह के ठुबरे अंदाज़े, दबी दबी तेरे लब से हंसी निकलते है। पर उस्ताद बेखुद का दौर है उस्ताद दाख के जानशीन, ये वो जबान दिल्ली की जबान, सहल जबान जो चलते फिरते लोग भी आ रहे हैं, समझने क्या है। तो नाज़रीन, दिल्ली से चलकर उर्दू ने लखनऊ को अपना मस्कन बनाया। लखनऊ में उर्दू ने वो जादू चलाया कि लखनऊ वालों ने अदब और तहजीब को ही नए सांचे में ढाल दिया। लखनऊ ने लफ्जों के साथ बड़ा काम किया है, तरकीब नई नई लखनऊ ने ढूंढ के उसके अंदर बंदिशें नई नई, मुसाफी ने कमाल किया उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि इन लोगों का कंट्रीब्यूशन किसी हालत में कम। और फिर एक सिलसिला है जो मरासी के अंदर, हालांकि इनका जिक्र होता है लेकिन तगज़ुल इनके पास भरपूर था, चाहे वो दबीर हों या अनीस हों या दूल्हा साहब उरूज हों या बात को महजब साहब तक अगर बात पहुंचे, तो यहाँ भी जो है वो इसकी कोई कमी नहीं थी। और आहंग तो बेहतरीन चीज़ थी। जब आप बात करते हैं रजस की, तो बगैर आहंग के रजस हो भी नहीं सकता। तो गजल के अंदर उतार चढ़ाव तो होते रहे लेकिन इजाफे भी होते रहे। नाज़रीन, उर्दू शायरी में कई असनाफ़ सुखन है और सबकी अहमियत अपनी जगह है, लेकिन गजल को जो अहमियत उर्दू जबान में हासिल है उसका कोई सानी नहीं। नहीं, जाहिर है कि ये इसके साथ और भी बहुत से अवामिल हैं और बहुत सी चीज़ें हैं कि जिसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना पड़ेगा। एक तो गजल की गिरफ्त जो है वो रवायत की गिरफ्त है, गजल की रजा ख्याली अपनी जगह पर अहम है। गज़ल कोई मुसलसल ख्याल की तर्जुबानी नहीं करती। एक गज़ल के अंदर 10 मिसरे हैं, 10 शेर हैं, तो 10 शेरों में कभी ज़िंदगी की बात हो रही है, कभी मौत की बात हो रही है, कभी हिजर की हो रही है, कभी वसाल की हो रही है। तो गज़ल की रेजा ख्याली से बहुत से मौजूआत जो हैं वो एक गज़ल के अंदर आ जाते हैं।
नज़्म में और गज़ल में यही फ़र्क है कि नज़्म में एक मरकज़ी तस्वूर होता है कि जिसे हम बढ़ा करके पेश करते हैं, लेकिन गज़ल में अगर 10 शेर हैं तो मालूम हुआ ज़िंदगी भी है, मौत भी है, आसमान की बात भी है, ज़मीन की बात भी है। तो ये गज़ल की जो रेज़ा ख़्याली है, ये मेरा ये ख़्याल है कि वक्त गुज़रने के साथ साथ और भी ज़्यादा जब हम मुस्तकबिल की तरफ जाएंगे और आएंगे तो गज़ल की मकबूलियत बढ़ेगी। बढ़ेगी इसलिए कि थोड़े वक्त में हमको मुख्तलिफ मौजूआत एक गज़ल के शेरों में मिल जाते हैं। नज़्म में एक मरकज़ी तस्वूर को हम बयान करते हैं और उसी को तफसील के साथ बयान करते हैं। तो गज़ल की सबसे बड़ी खसूसियत उसकी रज़ा ख़्याली है। नाज़रीन, आज ऐसा लगता है जैसे उर्दू और गज़ल एक ही हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले बेशतर लोग यही समझते हैं कि गज़ल सिर्फ उर्दू में ही कही जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि ज़बान 100 शक्लें बदल सकती है तो गज़ल भी सैकड़ों सांचों में ढल सकती है। उर्दू गज़ल का जहाँ तक अपना मामला है, आप उस पर गुफ्तगू करते हैं तो आप देखिए कि इसमें इसने तमाम तर कायनात को, तमाम तर मसाइल को अपने तौर पर अपनी ज़बान में समझने की भरपूर कोशिश की है। और यही वजह है कि उर्दू गज़ल जैसी कल थी, यानी वही दगनी से भी अगर शुरू करें और पीछे अमीर खुसरो के यहाँ भी ले जाएं तो अमीर खुसरो से लेकर आज फरहत एहसास तक और फरहत एहसास से लेकर के दूसरे शायर जो बड़े शायर आज के जो बन चुके हैं, हालांकि लगता है कि नए शायर हैं लेकिन उनकी शायरी की एक आवाज़ नुमाइंदा आवाज़ बन रही है और तकरीबन बन चुकी है। चाहे वो चाहे हसन काजमी हो, चाहे दूसरे शायर आप लोग नए शायरों का नाम ले रहा हूँ मैं, तो आप देखेंगे कि उर्दू गज़ल ने और उर्दू गज़ल गो शोरा ने अपने पूरे मिजाज और मिनहाज के एतबार से उर्दू गज़ल को एक एतबार, एक वक़ार बख्शा है। एक ऐसी ज़बान में बातचीत की है जिसमें मीर कहते थे कि पर गुफ्तगु पर मुझे आवाम से है। नाज़रीन, गज़ल से मुतालिक इस मालूमाती सफ़र को अगले हफ्ते तक के लिए मुलतवी करते हैं और आपको ले चलते हैं उस महफिल में जहाँ शायर है, गज़ल है, आहंग है और मौसीकी है। नाज़रीन, यह हसीन सफ़र गज़ल का अपनी रफ्तार के साथ जारी है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं एक अजीम शायर से। हमारे आज के शायर हैं जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब। इंदौर के एक कॉलेज में लेक्चरार की हैसियत से दरस व तदरीस में मसरूफ रहे डॉक्टर इंदौरी ने 40 साल पहले मुशायरों की दुनिया में कदम रखा और अपने लहजे की घन गरज और अपने अल्फाज के जेरो बम के ज़रिए पूरे मुल्क पर छा गए। उन्होंने पुराने मजामीन को भी ऐसा नया आहंग दिया कि लोग उनके मद्दाह होते चले गए। उनकी शायरी में इश्क भी है, इनकलाब भी, गमे जाना भी है और गमे दुनिया भी, माजी की पुरशिकोह तारीख का बयान भी है और हाल की तबाही और बर्बादी का तज़किरा भी। उन्होंने मुशायरों की दुनिया में धाक जमाने के बाद फिल्मी दुनिया में बहुत ही शान के साथ कदम रखा और फिल्म इंडस्ट्री को कई मशहूर गाने दिए। नाज़रीन, राहत इंदौरी एक ऐसा नाम है जिसको सुनकर एक ऐसा शायर जहन में आता है जो किसी हद में खुद को कैद नहीं करता। आइए नाज़रीन, खुद राहत इंदौरी साहब से जानते हैं उनकी इब्तदाई ज़िंदगी और शायरी के बारे में। मेरे घर में पढ़ा लिखा माहौल शुरू से रहा, मेरे वालिद एजुकेशन में थे और तो कुछ नई चीज़ नहीं, मतलब मेरे घर में उस ज़माने में मेरे बचपन में मुझे याद है कि 12-13 साल की जब उम्र थी मेरी तो तब भी उर्दू की रसाई लाया करते थे जो भी उस ज़माने में राइज थे और सभी लोग पढ़ते लिखने वाले उर्दू के लोग थे मेरे यहाँ। तो लेकिन इसको मैंने एक ज़िंदगी की तरह ओढ़ लूँगा शायरी या पेशे की तरह इख्तियार कर लूँगा शायरी, ये कभी नहीं सोचा था। वो किसी का मिसरा है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, तो एक शायर में बुनियादी तौर पर पेंटर था और बचपन से मेरा ख़्याल है होश संभालते ही मैंने ब्रश पकड़ लिया था और फिल्म के बैनर्स बनाया करता था, बाकायदा स्टूडियो में था मेरा। लेकिन वो एक अंदर ही अंदर एक शायर भी पल रहा था, पता नहीं उसने कब ओवरटेक किया उस पेंटर को। सिर्फ एक मीडियम बदलाव, कलर और ब्रश और कैनवास की जगह पर कागज़ और कलम आया और कुछ भी नहीं, बाकी कोई ज़्यादा बड़ी तब्दीली नहीं थी। तो वो मुझे कबूल करने में मुझे कोई ज़्यादा उलझन महसूस नहीं हुई और बल्कि मैं बहुत कामयाबी से उसी रास्ते पर आगे बढ़ता गया और शेर कहने लगा। राहत इंदौरी के यहाँ जोश है, जज्बा है, मुकाबला है, हट है और बेबाकी है। राहत इंदौरी अपने दौर के मुनफरिद शायर हैं। आइए उन्हीं से मालूम करते हैं कि वो अपनी इनफरादियत को लेकर कितने हसास हैं। जब से मतलब ये कि एक शऊर का और गज़ल का की दोस्ती हुई तो मैंने ये बस ये कोशिश की कि मैं कुछ जो कुछ कहूँ वो राहत इंदौरी की तरह लगे,
वो तरक्की पसंदों की तरह या हमारे क्लासिकल पोइट जो है हुए उनकी तरह या जो गज़ल जिस तरीके से कही जा रही थी या कही जा रही है उससे कुछ थोड़ा सा थोड़ी सी आवाज़ कुछ मुख्तलिफ हो और वो आवाज़ मेरी हो। बहुत से हमारे जो नाकदीन भी हैं हमारे साथी भी हैं किसी भी शायर पर तबसरा करते वक्त ये ज़रूर कह देते हैं कि उनका लहजा इस लहजे से मिलता है या वो बहुत फलां शायर हैं मीर से नासिर काज़मी बहुत करीब हैं या फलां से फलां का लहजा बड़ा टकराव का आता है। तो मैंने ये कोशिश की थी कि मुझे लोग ऐसा ना कहें कि ये राहत की गज़ल फलां की गज़ल से मिलती है। तो ये कोशिश को अगर लोगों ने नाम दिया है इनकलाब का या जोश का या जज्बे का या नारे का तो ठीक है बेहतर है। नाज़रीन, राहत इंदौरी मुशायरे के स्टेज पर भले ही किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह लगते हों लेकिन उनको अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास है और इसीलिए वो अपने सीनियर शायरों का अदब और एहतराम करते हैं। मैं बहुत खुशनसीब लोगों में अपने आप को शुमार करता हूँ कि मुझे मेरे सीनियर्स की बहुत मोहब्बतें और शफ़क़तें मिली। बल्कि तैतुल लफ्ज़ में पढ़ने का जो मेरे मुझे मशवरे दिए वो भी मेरे सीनियर्स ने दिए, खुमार बाराबंकी साहब, आलम फतेहपुरी, कृष्ण बिहारी नूर ख़ास तौर पर। तो इन लोगों ने कहा कि तुम्हारी जो गज़ल है ये इसके लिए तरन्नुम की कोई ज़रूरत होती नहीं है, तैतुल लफ्ज़ में पढ़ के देखो। और वो लोगों ने कबूल किया और वो धीरे 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 एक बात नई बनती गई। तो सीनियर्स अच्छा सीनियर्स की हमने का एहतराम भी हमने बहुत ज़्यादा किया और मैं तुम्हें ये अपने मेरे बाद आने वालों के लिए कहूँगा भी कि वो पहला जीना होता है कि हम हमारे आगे कौन हैं उनका लिहाज करें। तो जाहिर है पीछे वालों को ही आगे आना है। तो मैंने उनसे बहुत मोहब्बतें की और उनका एहतराम भी किया और उन लोगों की शफ़क़तें भी मुझे मोहब्बतें भी बहुत मिली। नाज़रीन, डॉक्टर राहत इंदौरी ने फिल्मों में भी बेशतर गीत लिखे हैं और उनके कई गाने तो आपने सुने भी होंगे। फिल्मों से अपनी वाबस्तगी पर राहत साहब को फ़ख्र तो है लेकिन बदले हुए माहौल से थोड़े मायूस भी हैं। मैंने एक 3 दर्जन से ज़्यादा फिल्मों में मैंने गाने लिखे और मेरा ख़्याल है कि सभी ज़िम्मेदार और बड़े डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया है जो हिंदुस्तान के मौजूदा दौर के लगभग सभी लोगों के साथ काम किया। लेकिन वो भी काम करने का उनका तरीका यही है कि वो म्यूज़िक डायरेक्टर के पास भेज देते हैं और म्यूज़िक डायरेक्टर के पास म्यूज़िक कंपनी का मालिक बैठा हुआ है, पेमेंट उसे करना है और पसंद उसे करना है तो हमें पसंद उसकी पसंद पे काम करना पड़ रहा है। फिल्म की कहानी से फिल्म के म्यूज़िक का या फिल्म के गाने का कोई ताल्लुक ही नहीं होता है। और शायरी जिसको मतलब यहाँ इसमें जिगर साहब जैसे लोग फिल्मों में आने मिल्लिक का, मजरू, साहिर, शकील, शैलेंद्र, इतने बड़े लोग आज भी मेरे पास हमारी इंडस्ट्री में मेरी नज़र में बड़े लोग हैं मौजूद अभी हैं इस वक्त कि जो लिखना जानते हैं लेकिन उनसे काम ही अगर आप नहीं करवाना चाहते हैं तो फिर क्या होगा, ये प्रॉब्लम है। राहत इंदौरी आज मुशायरों की दुनिया का सबसे मोतबर नाम है। मुशायरे उर्दू ज़बान और अदब और मुल्क की गंगा जमनी तहजीब के अलम्बरदार हैं। लेकिन मुशायरों के बारे में राहत इंदौरी के क्या ख्यालात हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। ये एक लफ्ज़ चल गया है हमारे मुशायरे में हालात हाजरा, तो वो लोग जो नई नस्ल के जो सुनने वाले ऑडियंस हैं, नए बच्चे जो 15 साल से मुशायरा सुन रहे हैं और अब उनकी उम्र 25 साल की, तो उन्होंने 10 बरस की उम्र से जो सुना है वो उसी को शायरी समझ रहे हैं। हमारे शायर चूँकि से उसमें उन्हें दाद मिल रही है तो वही शेर कह रहे हैं जो उन्हें समझ में आ रहा है। यानी हम अपने ऑडियंस से कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं और ये कंप्रोमाइज़ कहीं ना कहीं हमें हमारे अदब को नुकसान पहुँचा रही है, उसकी सेहतमंदी को नुकसान पहुँचा रही है। नाज़रीन, उम्मीद है डॉक्टर राहत इंदौरी से मुलाकात आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आइए राहत साहब से गुजारिश करते हैं कि वो अपनी एक पसंदीदा गज़ल हमें सुनाएं। कहा है कि इस कदर प्यार की बारिश हो कि जल थल हो जाऊं, इस कदर प्यार की बारिश हो कि जल थल हो जाऊं, तुम घटा बन के चले आओ मैं बादल हो जाऊं, तुम घटा बन के चले आओ मैं बादल हो जाऊं और घर में बैठा हूं चमकते हुए सोने की तरह, घर में बैठा हूं चमकते हुए सोने की तरह, मैं जो सर्राफे में आ जाऊं तो पीतल हो जाऊं, घर में बैठा हूं चमकते हुए सोने की तरह, मैं जो सर्राफे में आ जाऊं तो पीतल हो जाऊं, और ढूंढते ढूंढते एक उम्र गुजारी जिसको, ढूंढते ढूंढते एक उम्र गुजारी जिसको, वो अगर सामने आ जाए तो पागल हो जाऊं, ढूंढते ढूंढते एक उम्र गुजारी जिसको, वो अगर सामने आ जाए तो पागल हो जाऊं, और मेरे सन्नाटों ने आबाद रखा है मुझको,
मेरे सन्नाटों ने आबाद रखा है मुझको, मैं तेरे शहर में आ जाऊं तो जंगल हो जाऊं, मैं तेरे शहर में आ जाऊं तो, और इसमें एक शेर और है गज़ल में, वो सुने, मैं तेरे शहर में आ जाऊं तो, मैं तेरे शहर में आ जाऊं तो जंगल हो जाऊं, और मुंतज़िर चाक पे है मेरी अधूरी मिट्टी, मुंतज़िर चाक पे है मेरी अधूरी मिट्टी, तुम ज़रा हाथ लगा दो तो मुकम्मल हो जाऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका। वाह। तो नाज़रीन, ये थे जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब जो हमें नवाज़ रहे थे अपनी एक खूबसूरत गज़ल से। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ है साज़ और आवाज़ की महफिल का। आइए राहत इंदौरी साहब की गज़ल के कुछ शेर सुनते हैं इस दिलकश आवाज़ में। शाम होती है तो पलकों पे सजाता है मुझे, शाम होती है तो पलकों पे सजाता है मुझे, वो चरा जलाता है मुझे, शाम होती है तो पलकों पे सजाता है मुझे, शाम होती है तो पलकों पे सजाता है मुझे, वो चरा जलाता है मुझे, शाम होती मैं हूँ ये कम तो नहीं है तेरे होने की दलील, मैं हूँ ये कम तो नहीं है तेरे होने की दलील, मेरा होना तेरा एहसास दिलाता है मुझे, मेरा होना तेरा एहसास दिलाता है मुझे, वो चराहों की तरह रोज जलाता है मुझे, कैसे मैं महफूज रखूं खुद को अजायब घर में, कैसे मैं महफूज रखूं खुद को अजायब